मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है। कल चुनाव है, बीजेपी हो गया 9-2-11। छठे चरण का चुनाव है और 8 लोकसभा क्षेत्र में जनता अपने मत अधिकार का प्रयोग करेगी और साथ ही साथ ईवीएम में कैद होंगे जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं सांसद के, उनकी जो किस्मत है वो कल ईवीएम में कैद होगी। लेकिन उससे पहले जो चुनावी तल्खियां हैं, जो बयानबाजियों का सिलसिला है, वो लगातार जारी है। भारतीय जनता पार्टी ये लगातार कह रही है 400 के पार, तो वहीं लगातार विपक्ष की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके ऊपर ज़ोरदार हमला किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज फिर से एक बार जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़ोरदार हमला करते हुए कहा है टन टनाटन टन टन टारा बीजेपी हो गई 9-2-11। इस तरीके की बात लगातार चल रही है। राहुल गांधी ने इस बात को कहा, जिसके बाद फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेता जो है विदेश चले जाएंगे, खटाखट इस तरह के बयान प्रधानमंत्री ने भी दिया, जिसके बाद अब तेजस्वी यादव ने भी इस जो है वो बयान दिया है कि नौकरी मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सफाचट हो जाएगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही है, लेकिन आज फिर से उन्होंने कहा टन टनाटन टन टन टारा और जो भारतीय जनता पार्टी है वो 9-2-11 हो गई। किस तरीके से तेजस्वी यादव ने जोरदार हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, आप खुद सुनिए इस पूरे बयान को। तेजस्वी जी बीजेपी के सांसद हैं, अशोक यादव, उनका कहना है कि मुस्लिम महिला जो बुर्के का इस्तेमाल कर रही है चुनाव के दिन वो गलत इस्तेमाल करती है, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। 8 जगहों पर तो कल 8 जगह चुनाव होनी है, कल मतदान होनी है, सॉरी कल 8 जगहों पर मतदान होनी है, कैसे कल चुनाव है जी टारा बीजेपी हो गया 9-2-11 समझे सर। चुनाव को बता दे बीजेपी गोइंग सून ऑन 4th June, बीजेपी इज गोइंग सून ऑन 4th June, टन 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 तारा बीजेपी हो गई 9-2-11। सभा कर रहे हैं तेजस्वी जी, तब फिर आप लोग ईवीएम पर सवाल कर, अभी राजभवन में खेला होने की बात कर रहे हैं, हार जाएंगे तो ईवीएम में खेला होने की बात। वो जहाँ जहाँ मीटिंग होता नरेंद्र मोदी का, फिर दोबारा मोदी जी आते, पहले ही बोल रहे थे कि भाई मोदी जी का क्रेज खत्म हो गया है, मोदी जी की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई है, तो हो सकता है कि योगी जी को उसके बाद बुलाते होंगे। मोदी जी सब कुछ चल नहीं रहा, मोदी माँ जी की फिनिश चलिए हो गया।